वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज जगवीर सिंह, मैं बिजनेस कोच। आज का नया बिजनेस आइडिया ये है कि आप एक कैरेक्टर एनिमेशन आर्टिस्ट बन सकते हो। ये क्या होता है इसको पहले समझिए। आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, कार्टून्स के अंदर होता क्या है, उसके पीछे एक वॉइस ओवर चलता है और आगे एक कैरेक्टर एनिमेशन चलती है। जितने भी कार्टून्स या जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनिमेट किया जाता है, उनको मूव किया जाता है, तो वो क्या है, एक कैरेक्टर एनिमेशन है। उसको करने वाले को कहते हैं कैरेक्टर एनिमेशन आर्टिस्ट। आप वो बनने की कोशिश करिए क्योंकि ये इतना बहुत ही शानदार प्रोफेशन है और मार्केट के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर एक बड़े से बड़ा जो है यूट्यूबर हो, एक बड़े से बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी कोई वीडियो नई बनाने वाले हो, वो भी चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट हो ना वो एकदम टॉप लेवल का कंटेंट हो। वो भी चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट हो वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करे। और वो इम्प्रूव कैसे करेगा, वो इम्प्रूव करेगा कैरेक्टर एनिमेशन से। और मैं खुद भी चाहता हूँ मेरे को कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरी समझ से कोई कैरेक्टर को क्रिएट करे, उसको डिज़ाइन करें, उसको एनिमेट करें और एनिमेट करने के बाद में वो हमारी वीडियोस के अंदर इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आप इजीली समझ लें। और ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही शानदार चीज़ है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप मेरे लिए लॉयल हो जाओगे, आप मेरी वीडियोस को लगातार देखने लगोगे। और मेरे को पता है आप आज भी मेरी वीडियोस को लगातार देखते हो। देखिए, कैरेक्टर एनिमेशन वाकई में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर जो है जो बेसिकली कार्टून्स के अंदर ही इसका स्कोप हो, जितनी भी मूवीज बनती हैं उनके अंदर भी एक कैरेक्टर एनिमेशन होती है। आपने बाहुबली मूवी देखी है, उसके अंदर टोटली एनिमेशन है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर हाँ उसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट एनिमेशन का है। आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की RA1, जिसको बेसिकली रावण के नाम से भी बुलाते हैं, वो क्या है, उसके अंदर टोटली कैरेक्टर एनिमेशन है। अभी आपने रोबोट 2 देखी होगी, वो भी कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर आ रही है, उसके अंदर टोटली एनिमेशन है। आप समझने की कोशिश करिए, कैरेक्टर एनिमेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है। आप इसमें ज़रूर कुछ सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी फेसबुक से या ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी कोर्स को परचेज करिए, उसके बारे में सीखिए। सीखने के बाद में आप कुछ करने की कोशिश करिए और जब करोगे तो आपको भी प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। क्योंकि मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप अपने हाथ से यानी कि खुद एक वीडियो को डिज़ाइन करके क्रिएट करके उसके कैरेक्टर को क्रिएट करके एनिमेट करके कुछ अपने सोशल मीडिया पर डालिए और जब आप कुछ अच्छा बनाओगे, कुछ आई कैची बनाओगे, कुछ अट्रैक्टिव बनाओगे, कुछ यूनिक बनाओगे, कुछ फैंटास्टिक बनाओगे तो पता है क्या होगा, सब लोग उसको देखेंगे, वो पूछेंगे कैसे बनाया, वो पूछेंगे भाई कहाँ से लेकर आए, मेरे को भी सिखा दो, मेरे लिए भी बना दो और मेरे लिए आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे क्या, और वहीं से आपको काम मिल गया। यही तो मैं चाहता हूँ, यही आप भी चाहते हो। सो प्लीज़ इतना कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन कोर्स को किसी को भी खरीदने के बाद आप इसको सीखिए, सीखने के बाद में एक नए बिजनेस के अंदर एक नए प्रोफेशन के अंदर एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप भी अपने सपनों को पूरा करिए। इस वीडियो को आप लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट लेकर आता हूँ। और अब तक हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने पेंस को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमें इसी तरीके से बताते रहिए।